दोस्तों इन्फिनिक्स इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपने नए 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुका है, जिसका इन्फिनिक्स 030 5G। और यहां पर यह स्मार्टफोन तहलका मचा दिया है जिस प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट काफी सारे अपने प्राइस पॉइंट के अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स को इसने टक्कर दे दी है। और यहां पर यह पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट पर एक व्लॉगिंग कैमरे के साथ में देखने को मिला, जो कि 50 मेगापिक्सल का है, यानी आपको 60 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। तो काफी सारे यूनिक फीचर्स इस स्मार्टफोन में है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स 35G स्मार्टफोन को लॉन्च है, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आज यहां पर इन्फिनिक्स के 030 स्मार्टफोन के अपग्रेडेड वर्जन इन्फिनिक्स 040 के बारे में काफी कुछ नई लीक्स निकल कर आ चुकी हैं इस स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर के। तो आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि इन्फिनिक्स 040 जो स्मार्टफोन आने वाला है, इसमें क्या नई चीजें निकल कर आई हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इन्फिनिक्स इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में काफी अच्छा काम कर रहा है और ये लोग अपने तेजी से अपने काफी सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रहे हैं और काफी अच्छे परफॉर्मेंस बेस्ड स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे हैं। ये नहीं कि बस नाम से लॉन्च कर दिया कि हमने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, बल्कि जो फीचर्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छे ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्फिनिक्स 040 के बारे में काफी कुछ नई डिटेल्स आई है। यहां पर कहा जा रहा है कि इन्फिनिक्स अपने 040 5G स्मार्टफोन को भी बहुत जल्दी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करेगा और ये जो लॉन्चिंग है वो इसी साल होने वाली है। स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन लीक होकर क्या है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल प्लस 64 मेगापिक्सल प्लस 24 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है। तो ये जो कैमरा कॉम्बिनेशन है वो वाकई में काफी ज्यादा बेहतर है और काफी अच्छा आपको जो परफॉर्मेंस है वो बेसिकली फोटोग्राफी के मामले में प्रोवाइड करने वाला है। साथ में कहा जा रहा है कि 12GB रैम होने वाली है इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन में। यहां पर 64 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए होने वाला है। साथ में यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी होने वाली है, 6.75 inches की AMOLED डिस्प्ले होने वाली, सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी विद 120Hz रिफ्रेश रेट, 256GB स्टोरेज आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ में अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो यहां पर MediaTek Dimensity सीरीज का कोई 5G प्रोसेसर होने वाला है। अब प्रोसेसर कौन सा होगा ये चीजें फिलहाल अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं। उसके साथ में ही इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और साथ में यहां पर इस स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग होगी वो आपको अलग देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिजाइनिंग के साथ में यह स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। फ्रंट के साइड में भी आपको एक कर्व डिस्प्ले सेंटर पंचोल डिस्प्ले डिजाइन के साथ में देखने को मिलने वाली है। तो ये कुछ नई फीचर्स हैं, तो ये कुछ डिटेल हैं स्पेसिफिकेशन को लेकर के जो कि इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन के बारे में निकल करके आए हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है इसकी प्राइस भी यहां पर निकल करके आ गई है स्मार्ट ट्रिक्स पे। और यहां पर कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो 19,999 रुपए की प्राइस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। तो अगर 20,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर इतने सारे फीचर्स आ जाएंगे तो इन्फिनिक्स वाकई में कमाल कर देगा और यहां पर ये जो स्मार्टफोन है अपने प्राइस पॉइंट के काफी सारे और भी स्मार्टफोन को किल कर देगा। बाकी इस स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में बात करें तो लॉन्च होने में अभी टाइम है, क्योंकि इन्फिनिक्स ने अपने अभी अभी अपने इन्फिनिक्स 030 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। तो सीरीज के लॉन्च होने में भी टाइम है और आप कह सकते हैं कि लगभग दिसंबर या फिर नवंबर तक ये जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में, इन्फिनिक्स 040 5G स्मार्टफोन के बारे में? क्या आप इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन को वाकई में परचेस करना प्रेफर करते हैं या फिर नहीं करते हैं? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ये रहा वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।